अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब रूस यूक्रेन युद्ध पर करेंगे बात। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को एक साल होने जा रहा है, ऐसे में अब यूक्रेन की मीडिया की तरफ से बड़ा दावा किया गया है जिसमें बताया गया है कि 12 फरवरी तक यूक्रेन की सेना ने रूस के 1,37,000 से ज्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया। तो वहीं दावा है कि 11 फरवरी की तारीख रूस के लिए काल बन गई। सिर्फ एक दिन में रूस के 900 सैनिक मार गिराए गए। यूक्रेन की सरजमी से बारूद की गंध करीब एक साल से आ रही है और हर वक्त युद्ध बेहद भयानक होता गया जिसमें दोनों ही तरफ से कई सैनिकों की मौत हुई तो यूक्रेन के कई नागरिकों को जान गंवानी पड़ी। युद्ध की शुरुआत में रूस का पलड़ा भारी नजर आया तो एक वक्त ऐसा भी आया जब यूक्रेन ने रूस को पांव पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन साल की शुरुआत में जो दांव रूस ने चला उसने यूक्रेन को दिक्कत में डाल दिया था। लेकिन अब यूक्रेन ने एक बड़ा दावा किया है। पुतिन की पलटन शेर, ज़ेलेंस्की के जाबाज सवार से सिर्फ 24 घंटे में 900 सैनिक ढेर। चौबीस फरवरी को रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के एक साल पूरे हो जाएंगे जिसमें पूरी दुनिया ने तबाही के वो सामान देखे जिसने एक झटके में युद्ध का रुख मोड़ दिया था। हर बार ऐसा लगा कि अब युद्ध रूस के खाते में जा रहा है लेकिन अगले ही पल ज़ेलेंस्की की सेना ने अपनी जाबाजी दिखाते हुए युद्ध में जबरदस्त वापसी की। इन सब के बीच एक दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। यूक्रेन ने रूस को जबरदस्त झटका दिया। दावा किया गया है कि 12 फरवरी तक रूस के 1,37,780 सैनिक ढेर हुए। साथ ही दावा है सिर्फ एक दिन में रूस के 900 सैनिक ढेर हो गए। ये दावा यूक्रेन की मीडिया की तरफ से किया गया है कि रूस जरूर अब भी युद्ध को आगे खींचने का मंसूबा पाले बैठा है, लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूक्रेन की जमीन पर लड़े जा रहे युद्ध में नुकसान सिर्फ यूक्रेन को हुआ है। ये युद्ध पुतिन की पलटन को भारी पड़ा है। इतना जोर लगाने के बावजूद भी पुतिन ज़ेलेंस्की को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर पाए हैं और अब तो दावा किया गया है कि इस साल 11 फरवरी को यूक्रेन की सेना ने रूस को एक जवाब दिया कि एक दिन में रूस के 900 सैनिक मारे गए हैं। इस दावे ने रूस के साथ साथ पूरी दुनिया को सख्ती में डाल दिया है क्योंकि साल की शुरुआत से ही रूस ने यूक्रेन पर कई ताबड़तोड़ हमले किए थे जिसमें यूक्रेन के कई शहरों को टारगेट किया गया था। लगातार युद्ध में झटके पर झटके पुतिन को मिल रहे हैं जिससे पुतिन बौखलाए हुए हैं और अपने बारूदी तहखाने के दम पर यूक्रेन को सबक सिखाना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका समेत नेटो देशों ने यूक्रेन को बम, गोला, बारूद और मिसाइल की सप्लाई जारी रखी जिसने पुतिन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है और अब आगे आकर इस युद्ध का पूरा हिसाब किताब यूक्रेन ने सामने रखा है। एक साल से जारी जंग में रूस के 1,37,000 से ज्यादा सैनिक मार गिराए। हो सकता है ये आंकड़ा और दावा रूस में पुतिन के खिलाफ आग भड़का सकता है कि युद्ध जीतने के लिए पुतिन ने हर दांव पे चल दिया है। लेकिन जो एक साल पहले पुतिन ने सोचा था उसे पाने में अब भी नाकाम रहे हैं।